मुस्तफा कमाल साहब भी कहते हैं कि हमें ये कानून तस्लीम नहीं है। भाई तू है कौन? मतलब तुम्हारा एक आदमी असेंबली में नहीं, तुम एक चेयरमैन की सीट जीतने के काबिल नहीं हो, पता नहीं कोई एक आधा कौंसलर तुम्हारा बन जाए तो बड़ी बात है। वो भी कहता है कि हम नहीं मानेंगे। भाई ठीक है, तू कहता रहे कि कानून ठीक नहीं है, तुम कह दो कि इसके अंदर ये बुराइयाँ हैं, तुम कह दो कि इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मतलब ये कहना कि नहीं होने दूंगा, भाई ये क्या है? मतलब बंदे को कुछ थोड़ा सा होना चाहिए ना कि यार एहसास कि भाई मेरा वज़न कितना है। आदमी अपने वज़न के हिसाब से बात करता है ना। और वो कल कह रहे हैं 2001 का कानून करो, वो जमात इस्लामी भी कह रही है 2001 का कानून करो। ओ भाई तुम ये सारी ज़िंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने, 2001 का कानून नहीं आएगा। पंजाब में नहीं है, केपी में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, सिंध में किसी की ख्वाहिश पर 2001 का कानून नहीं आएगा। इस कानून में जो तरामीम हुई हैं वो 2013 के मुकाबले में इसको बेहतर बनाने के लिए हुई है। इसको बेहतर बना रहे हैं, हमने बेहतर बनाया है। आपकी तजावीज़ होंगी हम गौर करेंगे, अच्छी होंगी मान लेंगे, लेकिन आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो। आपका एक एमपीए है, एक, और एक एमपीए वाला 100 एमपीए वालों जो जिसके हैं पार्टी के, उसको ये कहेगा कानून मेरी मर्ज़ी का बनाओ। वो दुनिया में कहाँ होता है भाई? आप माजी में जिस अंदाज में कराची के मेयर या नाज़िम मुंतखब हुए हैं वो हालात अब आपको मुयसर नहीं आएंगे। अफगानी साहब भी फौजी आमिर के वक्त में बने, और जिस तरह बने वो भी सबको पता है। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, पीपल्स पार्टी के अरकान को गायब करवाया और अफगानी साहब को एक वोटों से जितवा दिया। 2001 में भी फौजी आमिर था, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ताज हैदर साहब थे, जो जमातें हमें सपोर्ट कर रही थी उनकी अक्सरियत थी, लेकिन आपको जितवाया गया, आप बन गए। अब अगर आप चाहते हैं कि दोबारा कोई फौजी आमिर आए, फिर दोबारा ऐसे हालात पैदा हों, फिर कराची का मेयर या नाजिम या चेयरमैन जो है जमात इस्लामी का हो जाए, तो वो हालात तो नहीं हो सकते ना। तो आप ठीक है, अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आप करते रहो, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि MQMB इस वक्त लसानियत की सियासत कर रही है, MQMB इस वक्त नफ़रत की सियासत कर रही है। मैं इनसे सवाल करता हूँ, जो आपने बैनर लगाया है कि कराची पे कब्ज़ा नामंजूर, किसका कब्ज़ा नामंजूर, किसके कब्ज़े के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं? कौन है जो कराची पे कब्ज़ा करना चाहता है? अगर आप पीपल्स पार्टी को कहते हैं तो पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक सियासी जमात है। अगर जमात इस्लामी को, MQM को, PTI को यह हासिल है कि वो कराची शहर में इलेक्शन जीत कर अपना नाजिम, अपना मेयर, अपने MNA लाने की कोशिश करें, तो पीपल्स पार्टी को तुमसे ज़्यादा हासिल है कि हम भी कोशिश करें कि हमारा यहाँ पे मेयर आए, हमारे MNS जीतें, हमारे MPS जीतें। पीपल्स पार्टी इलेक्शन की बात करें, जीतने की बात करें, तो हम कब्ज़ा करना चाहते हैं। बाकी आपके लोग कहीं से भी आएँ, जीतें, यहाँ बने, उस पर आपको एतराज़ नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर में नफ़रतें ख़त्म हुई हैं, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हुए हैं, लोगों में मोहब्बतें पैदा हुई हैं, दूरियाँ ख़त्म हुई हैं। खुदा के लिए इस पुरअमन मोहब्बत के माहौल को ख़राब मत करें। सिर्फ सियासी मफादात हासिल करने के लिए कराची के अमन को दाव पे मत लगाएं, सिर्फ सियासी मफादात हासिल करने के लिए कराची को खूनरेजी की तरफ मत लेकर जाएं। कराची में अमन है तो कराची तरक्की करेगा, कराची में अमन है तो लोगों की जान